हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और आज हम लर्न करेंगे ओरल कैंसर। तो इसकी डेफिनेशन, इसकी इटियोलॉजी क्या होती है, रिस्क फैक्टर्स क्या होते हैं, साइंस एंड सिम्टम्स क्या होते हैं, डायग्नोसिस कैसे करते हैं, ट्रीटमेंट में कौन कौन सी थेरेपीज़ यूज़ करते हैं, उसके बारे में लर्न करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, डेफिनेशन ऑफ ओरल कैंसर। Oral cancer occurs when cancer develops in the cells, tissues or glands of the oral cavity or mouth. जब oral cavity जहाँ mouth जहाँ मुँह के जो cells हैं, जहाँ tissues हैं, जहाँ salivary glands हैं, उनके cancerous growth हो जाती है, उनमें cancer develop हो जाता है, उसको हम कहते हैं ओरल कैंसर। तो ये जो है ओरल कैंसर, ये किसी भी पार्ट में हो सकता है, लिप्स में भी हो सकता है, टंग का कैंसर भी हो सकता है, चीक्स का कैंसर भी हो सकता है, गम्स का कैंसर भी हो सकता है, माउथ का जो फ्लोर है उसका कैंसर भी हो सकता है, रूफ ऑफ माउथ जहाँ पैलेट का कैंसर भी हो सकता है। इसके बाद इटियोलॉजी जहाँ रिस्क फैक्टर्स जहाँ कॉजेज क्या रहते हैं ओरल कैंसर के, फर्स्ट है क्रॉनिक स्मोकिंग। जो पर्सन बहुत ज़्यादा स्मोकिंग करता है, जहाँ काफ़ी सालों से स्मोकिंग करता आ रहा है, उसको ओरल कैंसर के चांसेस बढ़ जाते हैं। सेकंड, टोबैको यूज़। जो पर्सन तंबाकू का सेवन बहुत ज़्यादा करता है, जहाँ जो सब्सटेंस माउथ को इरिटेट करते हैं उनका सेवन करता है, जो ओरल कैविटी को इरिटेट करते हैं उनका सेवन करता है, तो उसके कारण ओरल कैंसर के चांसेस बढ़ जाते हैं। थर्ड, अल्कोहल यूज़। अगर कोई पर्सन बहुत ज़्यादा अल्कोहल का सेवन करता है, बहुत ज़्यादा शराब पीता है, उसके कारण भी ओरल कैंसर के चांसेस बढ़ जाते हैं। फोर्थ, पुअर ओरल हाइजीन। अगर कोई पर्सन ओरल हाइजीन मेंटेन नहीं करता है, जहाँ डेंटल केयर नहीं करता है, तो उसके कारण भी ओरल कैंसर के चांसेस बढ़ जाते हैं। फिफ्थ, HPV इन्फेक्शन, ह्यूमन पेपिलोमा वायरस इन्फेक्शन। अगर ये इन्फेक्शन होता है किसी पर्सन को, तो उसके कारण भी ओरल कैंसर के चांसेस बढ़ जाते हैं। सिक्स्थ, सन एक्सपोजर। जो लिप कैंसर है वो एसोसिएटेड होता है सन एक्सपोजर, प्रोलॉन्ग्ड सन एक्सपोजर के कारण लिप कैंसर के चांसेस ज़्यादा होते हैं। नेक्स्ट, रेडिएशन एक्सपोजर। अगर कोई पर्सन रेडिएशंस के संपर्क में ज़्यादा रहता है, जहाँ रेडिएशंस का बहुत ज़्यादा एक्सपोजर होता है, जो हाई एनर्जी रेज हैं उनका एक्सपोजर, जहाँ यूवी रेज का एक्सपोजर ज़्यादा होता है, उसके कारण ओरल कैंसर के चांसेस बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट, जेनेटिक फैक्टर्स। तो अगर फैमिली में किसी को ओरल कैंसर है या ओरल कैंसर की हिस्ट्री है, तो उसके कारण भी पर्सन में ओरल कैंसर के चांसेस बढ़ जाते हैं। ये है इसकी इटियोलॉजी या रिस्क फैक्टर्स। देन साइंस एंड सिम्टम्स और क्लिनिकल फीचर्स क्या रहते हैं इसके। सबसे पहले है लिप और माउथ सोर्स दैट आर नॉट हीलिंग। मतलब लिप्स पे जख्म हो जाते हैं या माउथ के अंदर जख्म हो जाते हैं, ओरल कैविटी के अंदर जख्म हो जाते हैं जो हील नहीं होते। सेकंड, लूज टीथ विद नो एपरेंट कॉज। मतलब कोई भी बिना कारण के जब टीथ जो हैं लूज हो जाते हैं, दांत जो हैं निकलने शुरू हो जाते हैं या लूज हो जाते हैं, तो वो भी एक साइन सिम्टम है। थर्ड, लम्प्स और ग्रोथ्स इनसाइड द माउथ। पर्सन के माउथ के अंदर ओरल कैविटी के अंदर लम्प्स बन जाते हैं, जहाँ
एबनॉर्मल ग्रोथ हो जाती है सेल्स की या टिश्यूज़ की। देन पेन और डिफ़िकल्टी व्हेन स्वेलोइंग, मतलब पर्सन जब स्वेलो करता है, कुछ निगलता है या कुछ भी खाता है या कुछ पीता है, तो स्वेलो करने के टाइम, निगलते टाइम उसको बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है या बहुत ज़्यादा पेन होती है। देन ईयर और माउथ पेन, या तो ईयर में, कान में बहुत ज़्यादा दर्द होती है या माउथ में बहुत ज़्यादा दर्द होती है। देन परसिस्टेंट सोर थ्रोट, पेशेंट को लगातार सोर थ्रोट, गला ख़राब रहता है और गले में दर्द रहता है। देन कलर्ड पैचेस इनसाइड द माउथ दैट लास्ट मोर देन 2 वीक्स, माउथ के अंदर या ओरल कैविटी के अंदर कलर्ड पैचेस बन जाते हैं, धब्बे बन जाते हैं, और ये धब्बे जो हैं 2 वीक्स, 2 हफ्ते से भी ज़्यादा रहते हैं और हील नहीं होते। इसके अलावा कई बार पेशेंट को ओरल कैविटी से ब्लीडिंग भी होती है, और कई बार पेशेंट की जो वॉइस है वो भी हॉर्स हो जाती है, वो भी बहुत ज़्यादा भारी हो जाती है, और पेशेंट का वेट लॉस भी काफ़ी ज़्यादा होता है। तो ये हैं इसके साइंस एंड सिम्टम्स और क्लिनिकल फीचर्स। उसके बाद इसका डायग्नोसिस कैसे करते हैं, तो डायग्नोसिस के लिए पेशेंट की क्लिनिकल हिस्ट्री ली जाती है, उसके साइंस एंड सिम्टम्स नोट किए जाते हैं, पेशेंट का कंप्लीट फिजिकल एग्जामिनेशन किया जाता है, पेशेंट की ओरल कैविटी में से टिश्यू का सैंपल या बायोप्सी ली जाती है, एक्सरे किया जाता है, सीटी स्कैन किया जाता है, एमआरआई की जाती है, और इसके अलावा पीईटी स्कैन भी किया जाता है डायग्नोसिस को कंफर्म करने के लिए। जब डायग्नोसिस कंफर्म हो जाता है कि पेशेंट को ओरल कैंसर है, उसके बाद पेशेंट की कंडीशन के अकॉर्डिंग, कैंसर की स्टेज के अकॉर्डिंग, पेशेंट की जो कौन से पार्ट का कैंसर है उसके अकॉर्डिंग पेशेंट की ट्रीटमेंट स्टार्ट की जाती है, मैनेजमेंट की जाती है। तो उसके लिए अलग अलग थेरेपीज़ यूज़ की जाती हैं। तो फर्स्ट जो है वो है कीमोथेरेपी। कीमोथेरेपी में जो कैंसरस सेल्स हैं उनको कम करने के लिए, उनकी ग्रोथ को रोकने के लिए, या कैंसरस सेल्स को ख़त्म करने के लिए कीमोथेरेप्यूटिक ड्रग्स यूज़ की जाती हैं। सेकंड, रेडिएशन थेरेपी। रेडिएशन थेरेपी में हाई डोज रेडिएशंस यूज़ की जाती हैं जो कि कैंसर सेल्स को ख़त्म कर देती हैं। थर्ड, हार्मोनल थेरेपी। इसमें हार्मोनल प्रोडक्ट्स जो हैं वो यूज़ किए जाते हैं, हार्मोनल ड्रग्स यूज़ की जाती हैं कैंसर सेल्स को, ग्रोथ को रोकने के लिए। फोर्थ, इम्यूनोथेरेपी। इसमें पेशेंट की इम्यून सिस्टम को एनहांस करने के लिए जो है थेरेपीज वो यूज़ की जाती है, इम्यूनोथेरेपी। नेक्स्ट है टारगेटेड थेरेपी। इसमें जो कैंसर ग्रोथ के मॉलिक्यूल्स हैं, स्पेसिफिक मॉलिक्यूल्स हैं, उनको टारगेट किया जाता है, और इसमें ड्रग्स यूज़ की जाती हैं जो कि मॉलिक्यूल्स को टारगेट करती हैं और कैंसर की जो ग्रोथ है या कैंसर सेल्स जो हैं उनको ख़त्म किया जाता है। देन नेक्स्ट है सर्जिकल थेरेपी। सर्जिकल थेरेपी में अगर कोई लंप है या ट्यूमर है जो कैंसरस ग्रोथ है उसको सर्जिकली रिमूव किया जाता है। तो ये अलग अलग थेरेपीज़ जो हैं ट्रीटमेंट के लिए यूज़ की जाती हैं। तो ये थेरेपीज़ जो हैं अलग अलग भी यूज़ की जाती हैं या इन कॉम्बिनेशन भी यूज़ की जाती हैं। तो ये है ओरल कैंसर। आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।